नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इलेक्ट्रा ग्रीनटेक। देखिए, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक आप सभी जानते हैं, इस कंपनी ईवी बसेस बनाने वाला एक लीडर कंपनी है। अभी सर कंपनी ईवीज बसेस नहीं बना रहा है बनाना मतलब सर ईवीज बसेस नहीं बना रहा है, उसके साथ साथ ट्रक्स भी बना रहा है। आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक देख सकते हैं सर्जेस 23% इन 1 वीक ऑन हेल्दी बिजनेस आउटलुक। मतलब कंपनी 23% का जर्नी दिखाया और वो भी किस बेसिस में, वीक ऑन हेल्दी बिजनेस आउटलुक। मतलब बिजनेस अच्छा खासा हुआ जिसके चलते हुए कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और लास्ट वीक में ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। किस तरीके से ग्रोथ होगा मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक का जो ट्रक आपको दिख रहा है ये टोटली इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक टोटली ट्रक बना चुके हैं, कंपनी इस बेसिस में आगे बढ़ रहा है। कंपनी सिर्फ बसेस इंडस्ट्रीज में नहीं, कंपनी ट्रक्स इंडस्ट्रीज में भी अच्छा खासा ग्रोथ किया। अभी देखिए यहाँ पे खुद ही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रा ग्रीनटेक हिट ए न्यू हाई। ऑब्वियसली न्यू हाई किया और मैंने एक ट्रेड भी लिया और मैंने आपके साथ शेयर भी किया। आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको लर्निंग पर्पज में सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जब भी यहाँ पे एक कप बनेगा और एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली क्या किया, इतने दिन तक टाइम बिताने के बाद यहाँ पे फाइनली कप बना, उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया और कन्फर्मेशन करने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे एंट्री लेवल से, अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो तो 29% का टारगेट बनेगा। और मेरा जो एंट्री लेवल है उस लेवल से अगर टारगेट बनेगा तो एटलीस्ट मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पेशेंस ही सब कुछ है। जो लोग इतने टाइम तक पेशेंस दिखाए तो उस लोगों को फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि देखिए लगातार लगातार जब करेक्शन हो रहा था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, सर अभी क्या करूँ। देखिए, मैं आपको तब भी बताया था, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको एक बड़ा धमाका देगा। तो फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो इस तरीके से टारगेट बनने जा रहा है उसके पीछे रीजन भी है कंपनी के सेल्स का ग्रोथ। देखिए, लगातार कंपनी ने क्या किया, सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए और एक अलग लेवल का सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिले। और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले, 1 करोड़ से बना 4 करोड़, उसके बाद 7 करोड़, उसके बाद 19 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIs पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो FIs हो, चाहे वो DIs हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इस तरीके से कंपनीज के ऊपर जब भी आप निवेश करना चाहेंगे तो आपको हमेशा कंपनी का जब ग्रोथ होगा तब अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट आप वो देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स कम तो हुआ था, अभी थोड़ा सा बोरिंग्स बढ़ चुके हैं। क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट जो मिला, कंपनी को इस बार करीबन 520 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, जो पिछले बार 630 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था। इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज कहूंगा कि अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ और भी बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक ऐसा कंपनी है जो लगातार लगातार आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो इसका डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, डीमार्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर डीमार्ट लगातार एक ही रेंज के ऊपर इतने दिनों तक टाइम बिताया, तो क्या डीमार्ट और ऊपर नहीं जा सकते। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर स्लो डाउन देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि हमेशा हर कोई कंपनी भागते रहेंगे, कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिजनेस में थोड़ा सा वीकनेस आएगा। तो राधा किशन दमानी जी की जो कंपनी है इसके ऊपर वीकनेस कहाँ पे है, देखिए वीकनेस मुझे सबसे पहले वीकनेस देखने को मिला इसका पी रेशियो में। कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत हाई है, मान ही लेता हूँ एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर और आज 100 के आसपास है, फिर भी इसका एवरेज पी रेशियो 118 के आसपास है। तो देखा जाए तो कंपनी खुद का जो पी रेशियो है
वो एक अंडरवैल्यूड सिचुएशन में है, मगर कंपनी के जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो एक ओवरवैल्यूड सिचुएशन में है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है और इनकम भी अच्छा खासा है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर एज ए प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो शानदार देखने को मिले, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला है। देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले हैं और कंपनी के एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 200 करोड़, 400 करोड़ और 600 करोड़ और अभी 600 करोड़, तो कंपनी का देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें उतना कमियां देखने को नहीं मिला है। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करते जा रहा है एक ही रेंज के हिसाब से। अभी इस कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो में लगातार कैश फ्लो को मेंटेन्स किया कंपनी ने, एक अच्छा खासा कैश फ्लो को मेंटेन्स किया। उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। अभी एज ए बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी के जो कर्जा है वो कर्जा ना के बराबर है और उसी बेसिस में कंपनी के जो एसेट है वो भी देखेंगे तो कंपनी के एसेट में ट्रेड रिसीवेबल में इस बार हाईस्ट ट्रेड रिसीव मिला करीबन 119 करोड़ के आसपास। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है तो कुछ अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का ग्रोथ ऑब्वियसली है। हाँ मान लेता हूँ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और सबसे इसका बड़ा जो कंपटीटर है वो है रिलायंस। रिलायंस लगातार हर दिन दो अलग अलग जगह पे स्टोर ओपन कर रहा है, उस जगह पे कंपनी को आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और फिर से आप एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत टाइम बिता रहा है और इस टाइम के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा धमाका होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है SRF। देखिए SRF एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर कोई व्यक्ति का नज़र होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर इस BSE में अगर आप सर्च करेंगे तो कंपनी 7 लाख% के आसपास रिटर्न दिया, 7 लाख% और NSE के ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो करीबन 1.5 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। एक अलग लेवल का परसेंटेज यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले। अभी ऐसे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस आपको दिखेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। छोटा मोटा क्वांटिटी FS ने बेचा, उसका डायरेक्ट फायदा DS ने उठाया, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। FS और DS के पास अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं और उसी बेसिस में कंपनी आगे भी बढ़ रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मतलब डेज का डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो SRF के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूँगा, मैं एक बार SRF देख लेता हूँ। हाँ आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो कुछ इस तरीके से था, एक रेंज के हिसाब से वो बार बार टारगेट को हिट कर रहा था, फिर से यहाँ पे रेंज बना था और फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किए। और देखिए टारगेट अचीव होने के बाद ही देखिए बिग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जब हम लोग जो टारगेट को फॉलोअप करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन भी क्या उसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। आपको कैसे पता चलेगा? ध्यान देना, जब भी कुछ रेंज बन रहा है तो उस रेंज में जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो एक हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। हाई वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, इसका मतलब अच्छा खासा ट्रेड बनने का चांसेस है। तो जब भी हाई वॉल्यूम देखने को मिला तो मतलब इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर बाई किया और धीरे धीरे करके ऊपर लेके गए और इजी तरीके से यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किया। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कंपनी हो चुके हैं। कंपनी 19% के आसपास टारगेट ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंटीग्रा एसेंसिया लिमिटेड। तो इंटीग्रा एसेंसिया लिमिटेड जो है इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया वो है बोनस का, और देखा जाए तो आज के दिन कंपनी का बोनस का अनाउंसमेंट था तो फाइनल डेट आ चुके हैं। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।